नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ओप्पो रीनो 11F 5G मोबाइल में आप किस तरीके से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। तो इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपसे मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट पर जाना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर किसी एक पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं पैटर्न पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद फिर से आपके पास कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या करना है, फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक पैटर्न सेट कर लेना, जो भी आप रखना चाहते हो अपने स्क्रीन लॉक के लिए, दोबारा से कंफर्म कर दीजिए। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने फिंगर को स्कैन करवाना है अपने फिंगरप्रिंट सेंसर पे, जो कि आपके डिस्प्ले पे दिया गया है। तो अच्छे से आपको फिंगर स्कैन करवाना है, जितना ही अच्छे से आप फिंगर स्कैन करवा लेंगे उतना ही फिंगरप्रिंट आपका फास्ट वर्क करेगा। तो देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर फिंगर को स्कैन करवा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। फिंगर स्कैन होने के बाद यहाँ पर डन आएगा, डन करना है। अभी आपका फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट शो हो चुका है और इस पर लगाते ही ये ऑन हो गया। तो इस तरीके से आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो।